बड़ी खबर आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी का कल निधन हुआ था और अंतिम संस्कार अब किया जा रहा है उनका। कुछ देर में शमशान घाट पहुंचेगी शव यात्रा। अंतिम विदाई स्नेह लता को दी जा रही है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी है, दादी है दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला की, अर्जुन चौटाला की। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंतिम यात्रा में अजय चौटाला नहीं पहुंच पाए, वो सीधे शमशान घाट पहुंचेंगे। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि अभी अभय चौटाला फार्म हाउस में अभी मौजूद हैं और इसके अलावा अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला सीधे शमशान भूमि पर ही पहुंचेंगे, वहां पहुंचकर अंतिम विदाई देंगे। अजय चौटाला अपनी माता को और दुष्यंत चौटाला अपनी दादी को। ये जो भी हुआ कल उसके बारे में आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी स्नेहलता, उसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले अफवाह उड़ी कि उनका निधन हुआ, लेकिन उसके बाद कहा गया कि नाजुक है हालत और रात होते होते ये खबर सामने आई जो कि चौटाला परिवार के लिए बहुत दुखद खबर है, उनके लिए असहनीय है। लेकिन फिर भी उनके जो नज़दीकी हैं वो यही दुआएं कर रहे हैं कि उनको ये दर्द, ये दुख सहने की शक्ति दी दे भगवान। और कल ये खबर जब सामने आई तो दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला मेदांता पहुंचे थे, अभय चौटाला रैली रद्द कर चुके थे, चरखी दादरी में बड़ी रैली थी इन्हें लोगों की, रद्द करनी पड़ी, तुरंत वो मेदांता अस्पताल पहुंचे। और ये तस्वीरें देखिए आप अंतिम यात्रा की, स्नेहलता जो कि दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अर्जुन चौटाला की दादी, अभय चौटाला, अजय चौटाला की माता और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। ओपी चौटाला तीजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचे, अभय चौटाला यहां पर मौजूद हैं, ओम प्रकाश चौटाला और साथ ही अजय चौटाला को फरलो मिले हैं। ओपी चौटाला की पत्नी थी स्नेहलता, उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें आपके सामने हैं। इनेलो और जेजेपी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी दुखी हैं, बहुत मानते थे दिग्विजय और दुष्यंत अपनी दादी को, बहुत प्यार करते थे और दिग्विजय चौटाला फूट फूट कर रो रहे थे जब उनको ये मालूम हुआ कि उनकी दादी उनके बीच नहीं रही। तस्वीरों में भी आपने देखा था किस तरह से दिग्विजय अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए, उनके लिए ये पल बहुत दुखद रहा जब उनको मालूम हुआ। और अंतिम यात्रा में किस तरह से चौटाला परिवार के नज़दीकी और चौटाला गाँव के लोग और बाकी तेजाखेड़ा गाँव के लोग, बाकी आसपास के गाँव के लोग भी पहुँचे और किस तरह अंतिम विदाई दी जा रही है स्नेहलता को, ये तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा सकता है। अभय चौटाला अपनी माता के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे, दिग्विजय चौटाला भी बहुत दुखी मन से अंतिम विदाई देते हुए अपनी दादी को, दिग्विजय चौटाला। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है और शमशान भूमि पहुँच चुका है पार्थिव शरीर स्नेहलता का, इसके बाद अंतिम संस्कार होगा। अजय चौटाला जैसा कि हमने पहले आपको जानकारी दी कि सीधे शमशान भूमि पहुंचेंगे, दुष्यंत चौटाला भी यहां पहुंचेंगे और अंतिम संस्कार किया जाएगा स्नेहलता का।